कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से रोजाना संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है, लेकिन अतिक्रमी वापस आकर वहां पर जम जाते हैं, जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो जाती है। शहर के व्यस्त मार्गों से पिछले दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग, बस स्टैंड, गुमानपुरा सहित शहर की अन्य जगहों से बरसों से जाम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। इसको लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली थी और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन विवेकानंद चौराहे से बस स्टैंड की तरफ 2 मिनट की जगह करीब 20 से 25 मिनट तक निजी बसें खड़ी रहने से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है, जाम की स्थिति बनी रहती है। भीमगंज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र चावला ने बताया कि रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग पर फिर से अतिक्रमण हो जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार तो यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बहुत अच्छी पहल है, लेकिन प्रशासन को फिर से जाकर अतिक्रमण की व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। स्टेशन का मुख्य मार्ग सीधे रेल मार्ग को जोड़ता है, यहाँ आए दिन यात्रियों को इतनी परेशानी होती है कि उनकी ट्रेनें मिस हो जाती है। यहाँ पर ठेले वालों का और ऑटो वालों का इतना जमावड़ा रहता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, और कलेक्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की थी, मैं उसके लिए सराहनीय हूँ। मेरा कहना यह है कि माननीय कलेक्टर साहब के आदेश से KDA की तरफ से पूरा अतिक्रमण हटाया गया था, पूरे ठेले वगैरह और ये सारे यहाँ से साफ कर दिए गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वापस से वही कंडीशन नज़र आ रही है। मेरा प्रशासन से, आदरणीय कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वो ये कार्यवाही करने के बाद उसको दोबारा से एक बार जांच लें, दोबारा से उसका विश्लेषण कर लें कि कहीं दोबारा से अतिक्रमण तो नहीं हो रहा। माननीय कलेक्टर साहब से मेरा ये निवेदन है। दूसरा, यहाँ क्या समस्या है कि ऑटो वाले और ठेले वालों की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है, रोज़ किसी न किसी कई लोगों की यहाँ से गाड़ियाँ, ट्रेनें चूक जाती हैं।